हेलो एवरीवन साथियों, बिहार इंटीग्रेटेड बीएड का एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं और सोच रहे हैं क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है क्या नहीं पढ़ना। ठीक, क्योंकि पढ़ तो बहुत सारे लेंगे लेकिन प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है कि आखिर कौन से टॉपिक से पढ़े जहाँ से हमारा यह प्रश्न जो है कम पढ़े और कम पढ़ने से ही हमारा प्रश्न जो है यह सॉल्व हो जाए। तो आज का जो सेशन होने वाला है पूरा इंटीग्रेटेड बीएड जो 4 ईयर जो होता है, 4 ईयर बिहार इंटीग्रेटेड बीएड। ठीक, 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड से अगर आप इंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो यह सिलेबस आपके लिए बेहतरीन होगा, जिसमें टोटल बात करें तो टोटल 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी 120 क्वेश्चन। और 120 क्वेश्चन में क्या कैसे रहता है हम इस वीडियो के में चर्चा करेंगे। फर्स्ट रहता है आपका जनरल इंग्लिश, जिसमें बात करें टोटल हमारा यह 15 क्वेश्चन रहता है, 15 यानी 15 मार्क्स, और 15 क्वेश्चन रहता है, यानी 15 मार्क्स और 15 कितना क्वेश्चन, यानी क्या एक क्वेश्चन इक्वल टू हमारा क्या, एक क्वेश्चन बराबर क्या 1 मार्क्स। ठीक, टोटल हमारा 120 रहता है, टोटल हमारा कितना 120 रहता है, टोटल पेपर में ऑल ओवर पेपर जो आप देंगे, जिसमें 15 आपका इंग्लिश रहता है। और 15 में क्या क्या रहता है देखिए, एक आपको पैसेज रहेगा, एक आपको पैसेज देखने को मिलेगा। पैसेज में ही क्या रहता है, जैसे 5 नंबर का अगर पैसेज हुआ तो इसी में एक ग्रामर दे देगा, एंटोनिम्स या सिनोनिम्स दे देगा, आपको एंटोनिम्स दे देगा। ठीक, एंटोनिम्स दे देगा, इसके बाद सिनोनिम्स दे देगा, उसके बाद आपको फिल इन द ब्लैंक्स दे देगा, फिल इन द ब्लैंक्स दे देगा, आपको खाली स्थान को भरने के लिए कह देगा। ठीक, उसके बाद आपको प्री पोजिशन दे देगा, प्री पोजिशन, प्री पोजिशन से आपको देखने को मिलेगा आपको। ठीक, इसी प्रकार आपको आर्टिकल से देखने को मिलेगा, आर्टिकल से, यानी टोटल जो कुछ टॉपिक है 7-8 टॉपिक है, यानी मैक्सिमम माने तो 8 टॉपिक है जहाँ से यह इंग्लिश में यह प्रश्न पूछते हैं। तो इंग्लिश हो गया हमारा ये सभी, पैसेज, एंटोनिम, सिनोनिम्स, फिल इन द ब्लैंक्स, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, ये सभी से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। टोटल बात करें तो 15 क्वेश्चन इंग्लिश में और 15 मार्क्स के। ठीक, तो इंग्लिश आपका हो गया। दूसरा सेक्शन हमारा आता है लैंग्वेज में ही, यह हमारा हिंदी होता है जो कि 15 मार्क्स का होता है। ठीक, तो 15 मार्क्स में क्या क्या पूछा जाता है ये भी 15 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक, 15 क्वेश्चन और 15 मार्क्स का। ठीक, अब उसमें क्या क्या पूछा था, इसमें भी एक गद्यांश रहता है, एक गद्यांश रहता है। गद्यांश में भी क्या रहता है, जैसे अगर गद्यांश 5 नंबर का रहता है तो 4 गद्यांश और गद्यांश से रिलेटेड ही एक क्या रहता है, एक व्याकरण रहता है। ठीक, वैसे ये इसमें 5 नंबर में मतलब पैसेज में एक पैसेज जो रहता है उसी में 4 करके जो पैसेज होता है उसमें, और उसी में एक ग्रामर। उसके बाद आपको संज्ञा से संज्ञा दे देगा आपको, उसके बाद आपको सर्वनाम से, उसके बाद आपको विशेषण से, और उसके बाद आपको अलंकार से, विशेषण हुआ आपको, अलंकार हुआ, उसके बाद आपको संधि हुआ, उसके बाद आपको समास हुआ, यानी ये सभी टॉपिक से मुख्य रूप से बात करता हूँ। तो ये सभी टॉपिक से आपको प्रश्न जो है आपकी परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। ठीक, ये हमारा ये हो गया, गद्यांश हुआ, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अलंकार, संधि, समास। ठीक, उसके बाद हमारा उपसर्ग प्रत्यय, उपसर्ग हुआ, प्रत्यय हुआ, ये सभी से प्रश्न जो आपके परीक्षाओं में हिंदी से पूछे जाते हैं। इंग्लिश और हिंदी आपका हो गया, टोटल 30 मार्क्स आपका हो गया। ठीक, जिसमें हिंदी एक ऐसा पेपर है जिसमें 15 आउट ऑफ 15 लाया जा सकता है कम ही समय में, क्योंकि तो इसमें सिलेक्टेड टॉपिक है। इंग्लिश में भी आप कम समय में बहुत अच्छे स्कोर सकते हैं, 10, 12, 13 ऐसे स्कोर कर सकते हैं, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है फिर भी आप इतना अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर आप इन सभी की तैयारी करना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर से टीचिंग ओरिएंटेड ऐप, गूगल प्ले स्टोर पे जाना है और आपको लिखना है टीचिंग ओरिएंटेड। ठीक, आपको गूगल प्ले स्टोर पे जैसे व्हाट्सएप या किसी ऐप को डाउनलोड करते हैं ऐसे टीचिंग ओरिएंटेड ऐप को डाउनलोड कर लेना है, और वहां से आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज, आपको अगर कोर्स से जुड़ना होगा तो वीडियो लेक्चर, हमारा सभी कुछ यह टीचिंग ओरिएंटेड ऐप पे अवेलेबल है, आप इसे ले सकते हैं, आप इसे जाके देख सकते हैं, अभी डाउनलोड कर सकते हैं टीचिंग ओरिएंटेड ऐप को। ठीक, तीसरा सेक्शन हमारा जो लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग जो है, यह 25 क्वेश्चन का आता है, यह बहुत ही मायने रखता है, एक तरह से कहे तो मैथ नहीं रहता है बट
बेसिकल रीजनिंग रहता है, जैसे हमारा रीजनिंग में क्या रहता है, रिलेशन से रहता है। रिलेशन क्या होता है, हमारा संबंध जैसे होता है मम्मी के भाई के बेटा आपको क्या लगेगा, रिलेशन हो गया। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग से हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया। इसके बाद आपको नंबर सीरीज, नंबर सीरीज में भी कैसे पूछा जाता है, सीरीज से ही पूछा जाता है। जैसे 2 हुआ, फिर 5 हुआ, तो फिर 7 हुआ, तो आगे क्या होगा, तो आपको ये भरना पड़ेगा। इस तरह से प्रश्न रहते हैं। तो रीजनिंग की बात करें तो 25 क्वेश्चन, उसके बाद कथन एवं कारक से भी, कथन एवं कारण से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इस प्रकार बात करें टोटल 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके लिए भी 10 टॉपिक निर्धारित है जो आप पढ़ लेंगे और 25 out of 25 ले आएंगे। ठीक, अब देखिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आपको 4 नंबर सेक्शन, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो प्लस्टर लगा लीजिए। जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज जो कि बात करता हूँ तो 40 क्वेश्चन रहते हैं, बहुत सबसे ज्यादा 14 मार्क्स का रहते हैं। अब इसमें क्या क्या पढ़ना है, इसमें सबसे पहले 5 से 6 क्वेश्चन जो है आपको करंट से पूछे जाता है, करंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और करंट से भी जो पूछे जाते हैं यह बिहार स्पेसिफिक होते हैं, बिहार स्पेशल कह सकते हैं, बिहार स्पेशल फिक कहते हैं। यानी जो भी अगर जैसे बिहार में जैसे कोई मंत्रिमंडल हुआ, जैसे अभी नए में कोई मंत्रिमंडल की बात करते हैं, जैसे हमारा राज्यपाल की बात करते हैं, तो इस तरह से क्वेश्चन देखने को मिलता है। साथ ही साथ जनरल नॉलेज में आपको 5 क्वेश्चन प्लस कहे तो 8 क्वेश्चन कर सकते हैं, टोटल 8 क्वेश्चन जिसमें आपको साइंस से रहते हैं, साइंस से 8 क्वेश्चन के आसपास रहते हैं। इसके बाद आपको नीति आयोग से प्रश्न रहते हैं, नीति आयोग से प्रश्न रहते हैं, और इसमें हिस्ट्री से प्रश्न रहते हैं, हिस्ट्री से प्रश्न रहते हैं, इसके बाद ज्योग्राफी से रहते हैं, उसके बाद पॉलिटिक्स से रहते हैं। यानी बात करें तो टोटल अगर हिस्ट्री की मैं बात करता हूँ तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मुख्य रूप से कहे तो 1885 से लेकर 1947 तक, यानी जो फ्रीडम मूवमेंट का जो काल हुआ है, यहाँ से अच्छे खासे प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी बात करें तो जनरल नॉलेज जीके जीएस में हमारा जो है यहाँ से 20 से 25 टॉपिक, 20 टॉपिक ऐसे टॉपिक चैप्टर नहीं, ऐसे 20 टॉपिक है जहाँ से अगर पढ़ लेते हैं तो 40 में आप अच्छे से स्कोर करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, 40 में आप 35 प्लस स्कोर कर पाएंगे। कितना, 40 में आप 35 प्लस स्कोर कर पाएंगे। और मुझे उम्मीद भी है कि जो 20 टॉपिक आप पढ़ेंगे तो आपको जरूर ही आपको 35 प्लस आ जाएगा जनरल नॉलेज में। इसके बाद अगला सेक्शन हमारा आता है, यह सेक्शन जो कि साथियों पता होगा, विद्यालयों में शिक्षण और ज्ञान का वातावरण, यह 25 क्वेश्चन पूछ जाता है। यह जो है यह आपने कभी पढ़ा नहीं होगा, जिसे हम कहते हैं TLEV कहते हैं, टीचिंग लर्निंग एनवायरमेंट इन स्कूल कहते हैं। यह 25 क्वेश्चन में जैसे ये होता है, जैसे यहाँ से पूछा जाता है समाजीकरण से, समाजीकरण से कि परिवार हमारा क्या है, परिवार हमारा क्या है, प्राथमिक समाजीकरण है या द्वितीय समाजीकरण है, यह प्रश्न प्रत्येक बार पूछा जाता है। इसके बाद NIOS, जितना बोर्ड है, NIOS हुआ, BVOS हुआ, ठीक, इसके फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं, जैसे NPE हुआ, NEP हुआ, PEN हुआ, यानी इस तरह से हमारा जो हमारा PAN हुआ, कंप्यूटर से भी कुछ हुए, तो इस प्रकार के फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं। ठीक, तो इस प्रकार हमारा शिक्षण और जो वातावरण है, जैसे डिसिप्लिन है, अनुशासन की बात करता हूँ, तो जैसे मैं इसमें जैसा बात करता हूँ कि TLE में, टीचिंग लर्निंग एनवायरमेंट में, जैसे TLE की बात करता हूँ, TLE की बात करता हूँ जो 25 मार्च का रहता है, जिसमें आपको बता रहा हूँ समाजीकरण हो गया। उसके बाद आपको अनुशासन, अनुशासन से प्रश्न रहते हैं, जैसे अगर आपको कक्षा के मॉनिटर है तो आप किस प्रकार मतलब कक्षा को डिसिप्लिन में रखेंगे। साथ ही साथ यहाँ से माइक्रो टीचिंग से प्रश्न रहते हैं, माइक्रो टीचिंग से प्रश्न रहते हैं। ठीक, इस प्रकार आपको साथियों जैसे हमारा NEP जो है अभी लागू हुआ है, NEP 2020, उसके बाद हमारा RTE Act, RTE Act 2009 से प्रश्न रहते हैं। कभी तो ये देखा गया है कि RTE कब लागू हुआ है, तो ये 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। इस प्रकार 25 क्वेश्चन आपके ये हो गए, तो टोटल आसान ही रहते हैं, बट आपके लिए नया होगा तो आप इसकी तैयारी कर सकते हैं।
और सब्जेक्ट तो आपके लिए पुराना ही होगा, एक TLE जो कभी नहीं पढ़े होंगे कि बच्चे को कैसे पढ़ाना है, कैसे क्या करना है, इसके लिए मैं बता दूंगा, पूरी तरह से हेल्प मिल जाएंगी। और अगर आप हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर से टीचिंग ओरिएंटेड लिखना है, गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और आज ही अभी गूगल प्ले स्टोर पे टीचिंग ओरिएंटेड ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, जहां से आपको हमारा यकीन बैच भी चल रहा है। यकीन बैच को अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि हमारे साथ जुड़कर यकीन बैच के साथ तैयारी करें, तो साथियों आपको ऑनलाइन क्लास मिलेगी। क्या क्या मिलेगी हमारे साथ अगर जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं? ऑनलाइन क्लास मिलेगी, उसके बाद हमारा वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिलेगी, टेस्ट सीरीज मिलेगी, उसके बाद आपको क्यूज मिलेगा, तो इस प्रकार उसके बाद PDF मिलेगा, ठीक, उसके बाद आपको हैंड रिटेन नोट्स ऑल सब्जेक्ट का मिलेगा। तो इस प्रकार आप यकीन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि अगर आप इसे यकीन बैच को ज्वाइन करेंगे, यकीन बैच को ज्वाइन जैसे ही करते हैं साथियों, तो आपको बेहतरीन होगा। यह हमारा बेहतरीन कोर्स है जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें वीडियो कोर्स, टेस्ट सीरीज, क्यूज, PDF और हैंड रिटेन नोट्स जो आपको मिलेगा। तो अगर आप हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं तो ज्वाइन हो जाइए और अच्छे से तैयारी करते रहिए। आप YouTube के सहारे भी तैयारी कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों।